अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हजरात, डिस्कवर सिटी की तरफ से आपका भाई मोहम्मद जुबैर सलीम एक बार फिर से हाजिर आपके लिए खूबसूरत वीडियो लेके। और इस टाइम जो हम लोग मौजूद है कराची में गवर्नर हाउस गेट नंबर 1 में, जहाँ पे फलस्तीन में जो इस टाइम बमबारी की जा रही है, जो फलस्तीन में छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को, औरतों को शहीद किया जा रहा है, उनकी याद में उनके लिए एक तकरीब का इनका किया गया है, जहाँ पे फलस्तीनियों के लिए शमे रोशन की जाएगी, उनके हक में दुआएं मांगी जाएगी और ये बयान दिया जाएगा कि पाकिस्तान फलस्तीन के साथ है। तो आज हम यहीं पे एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आज की मैदान की वीडियो के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? जो तमाम मुस्लिम ममालिक के और बिलखसूस दुनिया भर के लोग जो कि बर्बरियत के शिकार फिलिस्तीनियों से सहारे ऑफिशियल्स के और मैनेजमेंट के उनका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सभी फलस्तीन के उन बहन भाइयों के साथ शामिल हैं और मकसद यही है कि हम सब इसराइल फनकार बरादरी से जनाब अदनान जिलानी साहब हमारे मारूफ एक्टर वो मौजूद हैं और हमारा हीरो मौजूद है और कैसर खान साहब यहाँ मौजूद है, कैसर खान निजामानी साहब यहाँ मौजूद हैं और हमारे वो तमाम हलके से जो फनकार बरादरी है वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं यकजहती के लिए। और ये यकजहती है फलस्तीन के साथ और हमें एक बेहतरीन बहादुर फौज आता फरमाई है, जिस तरह ये नेमतें आता फरमाई है इसी तरह पाकिस्तान को अकवाम आलम और अकवाम मुस्लिम के रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमा। रब्बे आज मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनमें सभी मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, कोरी, आगा खानी जितनी कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, तमाम ताजिर बिरादरी, सनतकार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फनकार, अदीब और हर उस शोबे से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो हमारे उलमाए कराम अपने हाथ से जो इमदाद कर सकते होंगे वो जरूर करेंगे। मुझे यहां अभी अमजद चामड़िया भाई ने और हाजी रफीद परदेसी साहब ने कहा, ये हमारा भी दिल खून के आंसू रो रहा है, जिस जिस और जो जो उसकी पुष्प बनाई कर रहे हैं उनका हमें बाइकआउट करना चाहिए। देखे यहां रहकर हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आखिरत में जहां हम सब ने जाना है अपने मत के मजाइब के मुताबिक भी, वहां आप भी गवाह है। अमजद भाई को लफ्ज कम है तो बताएं अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में मैं इन शैतानों के खिलाफ ऐलाने जहान और ऐलाने बरौत करता हूं। अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। मैं एक बार फिर हमारी तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों का, दोस्तों का, उलमाए कराम का, फनकारों का, डॉक्टर फारूक सरकार साहब से रिक्वेस्ट करेंगे सर कि हमारे साथ स्टेज पर, और दरअसल जावेद कुरैशी साहब भी हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं, जो वो सभी लोग हैं तो जो कि इस वतन से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि फलस्तीनी जैद कामरान किशोरी
और एक तैयार है, ये दोनों फलस्तीन जाने के लिए तैयार है, ये दोनों मस्जिद अक्सा जाने के लिए तैयार है, तो क्या जज्बा होगा? आखिरी सवाल है, राठौर साहब ने कहा कि मैं वहाँ मेडिकल कैंप लगाऊंगा और दवाइयाँ भी अपने पास। जबरदस्त, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, आपने कहा था कि बहुत सारे ताकतवर हल्के ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मना किया था कि आपने फलस्तीन के हक में बात नहीं करनी, तो आज आप ऐसे ताकतवर हल्कों को क्या पैगाम देंगे कि मुसलमान का जज्बा अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों के लिए कैसा होता है? जरा उनको पैगाम दे दें कि मुसलमान का जज्बा होता कैसा है। देखिए, पिछले एक हफ्ते में अगर आप सोशल मीडिया और मीडिया पे देखें तो तकरीबन तमाम ही ममालिक के एम्बेसडर्स हाई कमिश्नर मुझसे आके मिले, क्योंकि 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जिसमें मैं स्कार्फ पहना हुआ था। पिछले एक हफ्ते में आप देख लें मुझसे यूके की हाई कमिश्नर इस्लामाबाद से आके मिली, जापान के, बाकी भी इटली के जो भी इन्फ्लुएंशियल एम्बेसडर्स हैं वो मुझसे आके मिले।